मरकजी सरकार की जानिब से जम्मू कश्मीर रियासत को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम एक इलाका बनाए जाने के बाद यहाँ पर जो सबसे पहली बड़ी डेवलपमेंट की गई थी उसमें पंचायती निज़ाम को फाल बनाया गया था। सरपंची, BDC और DDC, ये 3-tier सिस्टम यहाँ पे बना था, जिसके तहत आज भी गांव देहात में बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। DDC सुरनकोट शाहनवाज चौधरी ने आज एक और रोड का इफ्तिताह किया है। इस रोड पर तकरीबन 476.84 करोड़ रुपए की लागत आएगी और ये सड़क हिल मढ़ोर से डोडी तक जाएगी। आज DDC मौसूफ जब वहाँ मौके पर पहुँचे, उन्होंने इस काम को शुरू किया। उनके हमरा PWD और दीगर मुतलका महकमाजात के ऑफिसरान भी मौजूद थे। अलावाजी यहाँ पर पंचायत की आवाम भी कसीर तादाद में पहुँची, जिन्होंने सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस सड़क की काफ़ी देरीना आवाम की मांग थी और आज DDC मौसूफ यहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने जो इस सड़क का काम शुरू करवाया है, लोगों ने ये उम्मीद भी जताई कि इस सड़क का काम जल्द मुकम्मल होगा और तयशुदा औकात में ही ये सड़क बन जाएगी, जिससे लोगों को फ़ायदा हासिल होगा। DDC शाहनवाज चौधरी ने कहा कि हमारी कोशिश है कि हम आवाम के तरक्याती कामों में किसी तरह की ढील ना बरतें और जहाँ पर भी आवाम को सरकारी स्कीम्स का फ़ायदा दिया जा सकता है उन्हें यह फायदा पर वक्त पहुंचाया जा सके। मैं नहायत ही तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। मेरे पास अल्फाज के लिए मेरे पास शुक्रिया के लिए अल्फाज नहीं है कि आपने इतना वाराना इस्तकबाल किया, इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से, इतने खलूस से जो है आज जो है आपने खुशामदीद किया हम सबको। और आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज अरसे दराज से जो डोडी के लोगों की, छोटी पटिया के लोगों की, शेरशंगर के लोगों की एक अरसा दराज से जो एक चाहत थी, एक दिल में उनके सोच था कि हमारे पास में सड़क आए, हम भी गाड़ियों में बैठकर अपने घरों में जा सकें और इस पैदल सफर को जो है हम खत्म कर सकें। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज उस रोड को मंजूर करके आज उसका काम हमारे और आपके लिए ये कोई पहला मौका नहीं है कि जहाँ पे शाहनवाज चौधरी साहब ने किसी सड़क का इफ्तिताह किया हो। मैं ये समझता हूँ कि जब से हमने और आपने अपने वोट का सही इस्तेमाल किया, एक ऐसे इंसान को वोट देके इस काबिल बनाया कि वो मेरी, आपकी और आवाम सुरनकोट की जो ये दर्द, इस दर्द को समझता हो। तकरीबन याद होगा 2020 का वो साल जिसमें DDC के इंतखाबात की शुरुआत हुई और आपने और हम सब ने मिलकर ये कोशिश की कि एक तब्दीली लाई जाए ताकि हमारे आने वाले रास्ते और हमारा आने वाला जो मुस्तकबिल है वो भी तब्दील हो सके, वो भी रोशन हो सके। सबसे पहले मैं आज के स्टेज की वसादत से आप लोगों का शुक्रिया भी करूंगा और आपको दिल की अमीक गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने एक उभरते हुए सितारे को, एक नौजवान लीडर को चुना, उन्हें मौका दिया और आपके ये काम हो रहे हैं। सबको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं और साथ में सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस सुहाने वक्त में मैं कहूंगा हमारे लिए आज का दिन नहायत ही खुशी और मसर्रत से शादाब है। गिरते फल जोली में वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपना हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा।